गूगल से तो आप सब कुछ ढूंढ लेते हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसा सर्च इंजन हो जिससे आप सारे इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस को एक बार में सर्च कर पाओ, जैसे वेबकैम्स, सीसीटीवी कैमरास, राउटर्स, ट्रैफिक लाइट्स और इवन फैक्ट्रीज के कंट्रोल सिस्टम्स। तो आज हम ऐसे ही एक सर्च इंजन के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है शोडान। ये कोई नॉर्मल सर्च इंजन नहीं है, ये है हैकर्स का गूगल। सो हाय गाइस, दिस इज सन एंड आई एम एन एथिकल हैकर एंड साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब फॉर एथिकल हैकिंग रिलेटेड वीडियोस। तो आज हम बात करेंगे शोडान के बारे में। शोडान एक सर्च इंजन है फॉर इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस। ये वेबसाइट्स को ढूंढने के बजाय ऐसे डिवाइसेस को ढूंढता है जो ऑलरेडी इंटरनेट पर कनेक्टेड है, जैसे वेबकैम्स, राउटर्स, स्मार्ट टीवीज, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स और इवन होम ऑटोमेशन डिवाइसेस। शोडान के बॉट्स दुनिया में आईपी एड्रेसेस को स्कैन करते रहते हैं और उनके पोर्ट्स और सर्विस बैनर को एनालाइज करते हैं। बेसिकली शोडान पूरे वर्ल्ड के इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस का एक डेटाबेस बनाता है और आप उसमें सर्च कर सकते हो जस्ट लाइक गूगल। ये बिना किसी देरी के डेमोन्स्ट्रेशन पर आ जाते हैं, और डेमोन्स्ट्रेशन से पहले मैं बता दूं, इट इज इलीगल टू हैक एनी सिस्टम विदाउट द परमिशन। तो आपको अपना कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ टाइप करना है shodan.io। फिर यहाँ पर आपको एक लॉगिन का सेक्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है तो मैं सिंपली गूगल पर जाकर के यहाँ अपने अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूँ। आप एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, ये इजीली हो जाएगा। और अब आपको यहाँ पर काफी सारी चीजें देखने को मिलेगी शोडान के डैशबोर्ड पर। सबसे ऊपर यहाँ पर है सर्च बार, मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ वेबकैम एक्सपी एंड लेट्स सर्च। तो मैंने जैसे ही यहाँ पर वेबकैम एक्सपी को सर्च करा, मुझे यहाँ पर काफी सारे सीसीटीवी कैमरास लिस्टेड मिल गए। और वेबकैम एक्सपी इज अ सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसफॉर्म योर कंप्यूटर इनटू अ सर्विलेंस सिस्टम और इट अलाउज यू टू स्ट्रीम लाइव वीडियोस टू योर वेबसाइट। ये था बस एक कीवर्ड। जब आप इसके रिजल्ट्स को डिटेल में देखोगे तो यहाँ पर आपको उनके आईपी एड्रेस, डोमेन नेम और उनकी सिटी और कंट्री भी देखने को मिलेगी। ये था बस एक कीवर्ड, लेकिन अगर आपको अपने सर्चेस को काफी पावरफुल बनाना है तो आपको फिल्टर्स यूज करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर मैं एक फिल्टर को यूज करता हूँ, कंट्री कॉलन एंड देन आईएन। और अब अगर मैं इस सर्च बटन पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे सिर्फ इंडिया के ही रिजल्ट्स को शो करेगा। अब मैं यहाँ पर एक और चीज को सर्च कर सकता हूँ जो है पोर्ट। मैं टाइप करूंगा पोर्ट कॉलन 554। दिस पोर्ट 554 इज रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल, इट इज मोस्टली यूज फॉर सीसीटीवी फीड। अगर मैं यहाँ पर सर्च बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे और भी ज्यादा रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ सीसीटीवी कैमरा से रिलेटेड है। मैं यहाँ पर कोई और फिल्टर को भी टाइप कर सकता हूँ, जैसे कंट्री एंड देन आईएन फॉर इंडिया एंड लेट्स सर्च। अब मुझे ये सारे सीसीटीवी सिर्फ और सिर्फ इंडिया के देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर 86,531 रिजल्ट्स हैं, मुंबई के 9,000, बेंगलुरु के 8,000, चेन्नई के 6,000 एंड हैदराबाद के 2,000। ऐसे आप यहाँ पर काफ़ी कैटेगरीज भी देख सकते हो, जैसे टॉप सिटीज़ कहाँ की हैं, टॉप ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं, टॉप प्रोडक्ट्स कौन कौन से लिस्टेड हैं या टॉप ऑपरेटिंग सिस्टम्स जिन पर वो सीसीटीवी कैमरा वर्क कर रहा है। तो विंडोज़ के लिए 92 है और एसोस WRT 26, पैन ओएस 19, लिनक्स पर 3 काम कर रहे हैं, उबंटू पर 2। तो ऐसे आप काफ़ी सारे रिजल्ट्स को यहाँ पर फिल्टराइज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर कंट्री के प्लेस पर #screenshot टाइप करूँगा, #screenshot कॉलन ट्रू। अब मैं सर्च बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे वही सारे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे जिन पर स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल होंगे उनकी फीड्स के। अब मान लेते हैं मुझे सीसीटीवी कैमरास को नहीं देखना है, मुझे देखना है कौन कौन सा रिमोट डेस्कटॉप्स इंटरनेट पर अवेलेबल है। मैं टाइप करूँगा पोर्ट 3389। पोर्ट नंबर 3389 इज रिजर्व फॉर RDPs, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। अब मैं यहाँ पर एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद मुझे वो सारे ही वल्नरेबल डिवाइसेस देखने को मिल गए जिन पर रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल ओपन है। यहाँ पर मैं सेम फिल्टर को सर्च कर सकता हूँ, जैसे has screenshot colon true। If I search this one, then again I'll see some of the devices that has screenshots। Remote desktop protocol के अलावा मैं पोर्ट नंबर 22 को भी देख सकता हूँ। पोर्ट नंबर 22 इज फॉर SSH, विच इज सिक्योर शेल प्रोटोकॉल। एंड पोर्ट नंबर 22 के थ्रू हम लोग किसी भी दूसरे सिस्टम को डायरेक्टली टर्मिनल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पोर्ट नंबर 22 के लिए सिर्फ और सिर्फ 12 रिजल्ट्स आ रहे हैं जिनमें स्क्रीनशॉट्स हैं। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं ये फिल्टर को और फिर सर्च करूं तो यहाँ पर मुझे 21 मिलियन रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं, ऑल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट से 6 मिलियन के अराउंड, चाइना से 2 मिलियन के अराउंड, जर्मनी से 2 मिलियन के अराउंड एंड नीदरलैंड से अगेन 774,000 के अराउंड रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। पोर्ट नंबर 22 के साथ ही साथ मैं एक और फिल्टर को भी यूज कर सकता हूं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन लिख करके अगर मैं यहां पर एयरटेल को टाइप करूंगा, एयरटेल एंड हिट सर्च, तो यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ एयरटेल के ही डिवाइसेस देखने को मिलेंगे जिन पर SSH इनेबल होगा, जैसे 172.72.10.1 इंडिया के थाने सिटी से है और
इनके ISP प्रोवाइडर हैं भारती एयरटेल, तो ये सारे डिवाइसेस एयरटेल के ही हैं। तो आप शोडान का यूज करके सिर्फ कुछ डिवाइसेस को ही नहीं सर्च कर सकते, आप उनकी वल्नरेबिलिटीज को भी सर्च कर सकते हो। जैसे यहाँ पर शोडान का एक पेज है शोडान फिल्टर्स करके, तो जैसे अगर आप इस URL पर जाओ shodan.io/search/filters, तो यहाँ पर आपको काफी सारे फिल्टर्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे कुछ जनरल फिल्टर्स हैं, कुछ आपके HTTP से रिलेटेड हैं, कुछ SSL से रिलेटेड हैं, कुछ बिटकॉइन से रिलेटेड हैं। जैसे आपको कुछ बिटकॉइन से रिलेटेड डिवाइसेस को सर्च करना है तो आप ये bitcoin.ip bitcoin.port को यूज कर सकते हैं, और यहाँ से आपको वल्नरेबल बिटकॉइन रिग्स देखने को मिल जाएंगी, तो उनको यूज करके आप वल्नरेबल बिटकॉइन रिग्स को ढूंढ सकते हो। स्क्रीनशॉट्स रिलेटेड है, क्लाउड्स रिलेटेड है, रिस्ट्रिक्टेड, टेलनेट्स एंड SSH। और अगर आपको और भी इंटरेस्टिंग शोडान क्वेरीज जाननी है तो आप सिंपली गूगल पर सर्च करो इंटरेस्टिंग शोडान सर्चेस, फिर जैसे ही आप इंटर करोगे तो यहाँ पर आपको पहली ही लिंक एक GitHub रिपोजिटरी की मिल रही है। आप उस पर जैसे क्लिक करोगे और उसको थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे इंटरेस्टिंग शोडान क्वेरीज देखने को मिलेंगी, जैसे इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स के लिए, गैस स्टेशन पंप कंट्रोलर्स के लिए, ऑटोमेटिक लाइसेंस प्लेट रीडर्स को आप लोकेट कर सकते हो, ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर्स या रेड लाइट कैमरास को आप लोकेट कर सकते हो, वोटिंग मशीन्स को आप लोकेट कर सकते हो, और भी काफी सारी इंटरेस्टिंग क्वेरीज हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस तरह से मैंने थाउजेंड्स ऑफ ओपन कैमरास को डिटेक्ट किया। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको कौन सी वीडियो नेक्स्ट चाहिए। और अगर आपको एथिकल हैकिंग सीखनी है मुझसे, वो भी पर्सनली विद लाइव डेमोंस्ट्रेशंस, देन यू कैन अप्लाई फॉर माय मेंटरशिप प्रोग्राम। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैंने इस चैनल पर एथिकल हैकिंग से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको वहाँ पर काफी सारी डेमोंस्ट्रेटिव वीडियोज मिल जाएंगी। Till then, this is Hassan signing off.